दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया जो है कम्प्लीटली टॉप टू बॉटम सब कुछ जो है इंडिया के अंदर ही किया गया है जिसका नाम रखा है अजीत। तो इस प्रोसेस के बारे में हर एक डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को किक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है। कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर जरूर लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे थे अजीत की, तो अजीत जो है ये एक प्रोसेसर है जो कि फुल्ली इंडिया के अंदर बनाया गया। तो ये प्रोसेसर जो है डेवलप किया गया कम्प्लीटली इंडिया के अंदर, और इसका हर एक फेज जो है इंडिया के अंदर किया गया है, डिज़ाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया के अंदर ही हुआ है। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। हर एक जो प्रोसेसर होती है ना इंडिया के अंदर बनाया गया, तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो है बाहर से मंगवाई जाती है, उसके बाद यहाँ पर असेंबल किया जाता है, यहाँ पर बनाया नहीं जाता। लेकिन ये प्रोसेसर यहाँ पर ही बनाया गया है, सब कुछ जो है फ्रॉम द रूट यहाँ से ही बनाया गया है। तो ये फ्रॉम द स्क्रैच प्रोसेसर है फर्स्ट इंडिया की, तो फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया प्रोसेसर जिसका नाम रखा है अजीत। तो ये किसने डेवलप किया? तो दोस्तों ये जो है डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर, और उनके साथ थे 9 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। और उसके बाद दोस्तों आते हैं एक बात जो कि कुछ ही महीने पहले की बात है। यहाँ पे इंडिया ने फर्स्ट एवर जो है RISC-V जो बेस्ड प्रोसेसर है वो लॉन्च किया था, जिसका नाम था शक्ति। तो उसकी जो स्पीड की बात करें तो वहाँ पे आपको 400 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिलती थी, और वहाँ पे आप लिनक्स इजीली बूट कर सकते थे। तो दोस्तों ये जो दोनों प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया, शक्ति और अजीत, ये दो प्रोजेक्ट्स जो है फुलफिल किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और उनके साथ थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन दोनों के सहायता से जो है ये प्रोजेक्ट आज फुलफिल हो पाया है। लेकिन यहाँ पे और बहुत सारी बातें आती है, तो चलिए स्पेसिफिकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों अजीत की जो स्पेसिफिकेशन है ये उतनी ज़्यादा खास नहीं है। आप लोग अगर कंपेयर करते इंटेल के साथ, तो आपको वहाँ पर इंटेल में आपको गीगाहर्ट्ज पे जो क्लॉक स्पीड मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर क्लॉक स्पीड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 90-120 मेगाहर्ट्ज तक की क्लॉक स्पीड मिलती है। तो ये इतनी कम स्पीड में क्या हो पाएगा? तो दोस्तों बहुत कुछ हो पाएगा। कह रहे हैं कि ये जो है माइक्रो कंट्रोलर की तरह यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस जो होते हैं, बहुत सारी स्पेस क्राफ्ट की डिवाइस होती है वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में यूज़ किया जा सकता है, छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों ये जो है कम्प्लीटली इंडिया में बनाया गया, तो हम लोग के लिए तो प्राउड मोमेंट है, इंडिया के लिए भी ये बहुत प्राउड मोमेंट है। क्योंकि अगर वो ये मैन्युफैक्चर कर पाते हैं बहुत सारी बल्क में ये प्रोसेसर, तो यहाँ पे एक प्रोसेसर के कॉस्ट यूनिट जो है 100 रुपीस ओनली गिरेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस एरिया में ये बहुत काम में आएगा। क्योंकि देखिए जो प्रोसेसर है इसका बेस जो है अगर इंडिया के अंदर बनाएगा, तो हर एक लूप होल से लेकर सब कुछ जो है इंडिया के अंदर ही होगा। तो सबको मालूम होता है कि क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी कमियाँ हैं, तो उसको सुधार सकते हैं। और बाहर से अगर कुछ मंगवाते हैं तो वो हिडन रहता है, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है वही से पता चलता है। लेकिन यहाँ से रूट से लेकर पूरे पेड़ तक जो है सब कुछ जो है हम लोग को दिखाई देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनोवेशन है, और ये हिस्ट्री क्रिएट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकेडमिया और उसके साथ और बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो एक साथ कोलाबरेट करके इस प्रोजेक्ट को जो सक्सेसफुल होने में हेल्प किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकेडमिया और इंडियन इंडस्ट्रीज़ है वो सब एक साथ जुड़ के इस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल बनाया है। तो ये बहुत ही बड़ा एक हिस्ट्री जो क्रिएट हो चुका है, क्योंकि पहले ऐसा अगर करते तो आज इंडिया यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता। अभी जो पेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सब कुछ जो इक्विपमेंट्स लगती है एक प्रोसेसर डेवलपमेंट करने, वो किसने किया? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है पोवाई लैब्स करके एक कंपनी है जो कि मुंबई बेस्ड है, वो सारी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया था इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इस जो अजीत प्रोसेसर है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो दोस्तों इसको सुपरवाइज किसने किया था? तो दोस्तों अजीत को जो सुपरवाइज किया था उनका नाम है डॉक्टर माधव देसाई, जो कि IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर है। उनके साथ जो है 9 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। तो वो बहुत ही शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को मतलब पेपर से लेकर ऑब्जेक्ट पे क्रिएट किया, और उस ऑब्जेक्ट को आज
प्रेजेंट करने में सक्षम रहे। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनोवेशन है दोस्तों। यहाँ पे जो ये अजीत है इसको बहुत सारी मैक्सिमम सिक्योरिटी रीजंस के लिए यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, पहले जैसे इंटेल एमई बैकडोर थी इंटेल के अंदर जो कि एक्सप्लॉइट कर सकते थे उसको, तो यहाँ पर ऐसी कोई बैकडोर वगैरह नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कोई जानती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेकर और जितने भी ऑफिशियल्स हैं तो वो सब इनके बारे में जानते हैं, इनके ब्लूप्रिंट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लोर होने में कोई मतलब दिक्कत आने वाली नहीं है और इनको उनके अलावा और कोई नहीं जानता। तो दोस्तों ये सब, ये जो अजीत है ये अगर यूज़ किया जाए न्यूक्लियर रिएक्टर्स कह लीजिए या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स कह लीजिए सब में, तो कोई इसको जो है ना छेड़खानी नहीं कर सकता क्योंकि ये बाहर की प्रोडक्ट नहीं है, एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट ढूंढना उन लोग के लिए दिक्कत वाली बात होगी। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो इंडिया यूज़ कर सकता है, बहुत सारी बहुत अच्छे अच्छे कामों में इसका यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों अजीत की जो फ्यूचर स्कोप है वो क्या है? तो दोस्तों अजीत की फ्यूचर स्कोप क्या है, यहाँ पे जो नॉन स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए। तो वो पहले फिर से अपग्रेड किया जाएगा, ये जो प्रोसेसर है इसको और एनहेंस कर दिया जाएगा, इसके क्लॉक स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, कैपेबिलिटी बढ़ाई जाएगी और दूसरा इक्विपमेंट भी निकाला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, तो देखिए यहाँ पे ब्लूप्रिंट एक क्रिएट हो चुका है, इंडिया ने फ्रॉम स्क्रैच जो है एक प्रोसेसर को डेवलप किया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म बन गया है नए स्टूडेंट्सों के लिए कि नए स्टूडेंट्स सीख पाएंगे कि कैसे जो है प्रोसेसर डेवलपमेंट किया जाता है, रूट से लेकर सब कुछ जो है हमारे इंडिया के पास अभी है कि कैसे बनाते हैं प्रोसेसर, तो उनसे स्टूडेंट्स बहुत जो है कुछ सीख पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव स्टेप है जो कि फ्यूचर में हम लोग को बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइए, अगर आप प्राउड फील करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और कुछ मुझे सजेशन दीजिए कि कैसे मैं चैनल को सुधारूं, क्योंकि नया चैनल है दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर प्रेस करना, सब्सक्राइब नहीं किया नीचे सब्सक्राइब करो यार, रेड बटन को ग्रे कर दो, साइड में घंटी होता है वो प्रेस करना ना भूलना। तो अपलोड करते रहता हूँ मैं, तो अगर आप प्रेस नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों टिल देन हैव ए वंडरफुल डे, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, सी या, बाय बाय।